स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टेकबिज में। तो अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एडवर्ड के थ्रू जो है अपनी वीडियोस YouTube वीडियोस के ऊपर व्यूज ला सकते हैं चीपर प्राइस में और रेट में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने जाना है क्रोम ब्राउजर में, तो चलिए हम क्रोम ब्राउजर में चले जाते हैं। तो वहां पर हमने एक वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसके बाद हमने करना है यहाँ पर साइन इन, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो न्यू कैंपेन के क्लिक करने के बाद तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट ए गोल साइनेज, लेट्स क्लिक हियर। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे करना है हमने वीडियो पे क्लिक करने के बाद तो हमने यहाँ पे कस्टम वीडियो कैंपेन पे ही क्लिक करना है और किसी पे भी नहीं, तो फिर कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद थोड़ी सी हमने इनको जानकारी दी है, तो कैंपेन का जो नेम है वो कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे कि मैं अपने चैनल का ही नेम रख देता हूँ टॉप 7 कास्टिंग, जो मेरा दूसरा वाला चैनल है उसका नेम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो मैक्सिमम सीवीपी मैक्सिमम कितना रखना चाहते हो आप, तो इसमें ये मैक्सिमम सीवीपी का मतलब होता है कि जैसे मंथ में 1000 व्यूज आए आपको, क्लिक 1000 व्यूज आए तो उसका मतलब है कि जब आप 1000 व्यूज आ जाएंगे तो आप तब पे करेंगे। और टारगेट सीपीएम का मतलब होता है कि जब एक व्यू आता है तो तब पे करोगे। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम ही रखूँ। मैक्सिमम करने के बाद कैंपेन का जो टोटल है वो कितना रखोगे, यहाँ पर आप 50 रख सकती हो। 50 रखने के बाद स्टार्ट डेट मीन्स आज, इसे पीछे तो रख नहीं सकते, आगे कर सकते। तो एंड डेट भी रिक्वायर्ड है, एंड डेट आप कितनी भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर 30 रख देता हूँ, नहीं 30 नहीं 20 डेज रख देता हूँ, तो 25 रख देता हूँ। ओके, तो ये डेली का बजट जो है बन जाएगा आपको, मीन्स डेली के 2.38 रुपीज से होंगे। ओके, तो उसके बाद जो है एड अनदर लोकेशन, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो पाकिस्तान और बंगाल जैसी और भूटान जैसी कंट्रीज, तो उसमें जो होता है जो रेट है वो कम है, तो उसमें आपको चांसेस है कि लेस पे करना पड़े, तो नेक्स्ट बार आप में आ जाते हैं। तो आपकी वीडियोस इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो जो वो वाले चैनल की वीडियोस हैं जो मेरी है इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर हिंदी भी मिल जाएगी, ये रही। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री टाइप भी क्लिक करना है। इन्वेंट्री टाइप जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्सपेंडेड इन्वेंट्री। ओके, तो लेबल्स वगैरह हैं जो क्या है, मैं इनको अभी क्लिक कर देता हूँ, इन्हें भी क्लिक कर देते हैं, सभी को क्लिक कर देते हैं। इसे मैच्योर ऑडियंस को नहीं कर सकती। ओके, वैसे भी मैच्योर ऑडियंस अगर आपका कंटेंट टेक के रिलेटेड है और थोड़ा सा कॉमेडी है तो उसमें नहीं है। तो उसके बाद जो आ जाता है एज, एड ग्रुप नेम, तो मैं वीडियो का नेम रख देता हूँ हाउ टू अर्न ऑनलाइन, जैसे कि मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा आप देखोगे तो उसमें ये ही लिखा होगा हाउ टू अर्न ऑनलाइन बाय कैप चा एंट्री जॉब। ओके, तो उसके बाद हमने नीचे जाना है डेमोग्राफिक्स में से, हमने जो करना है इतने सारे को क्लिक नहीं करना है क्योंकि अननोन, तो क्लिक कर ये तो सारा ही क्लिक कर देना है ये वाला जेंडर में। लेकिन एज में जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि ये फर्स्ट और दो वाली एजिस को ही सिलेक्ट करना क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो मैं भी इन दो को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपको पता भी चल जाएगा कि कितना सा ही कम, थोड़ा सा ही कम होगा।
इससे अननोन तो क्लिक कर ही सकती है एंड नॉट अ पेरेंट इससे कोई जुड़ी हाउस होल्ड इनकम से कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस कैसे चाहिए आपको, ऑडियंस जैसे चाहिए वैसे हम यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। जैसे कि आइडियाज, तो इसमें हाउ आर दे कम्बाइंड ऑडियंस, तो मैं व्हाट इज देयर इंटरेस्ट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में आने के बाद मोबाइल एंथुसियास्ट और सोशल मीडिया एंथुसियास्ट, और इसमें टर्म फॉर टेक्नोफाइल्स पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं, टॉपिक के कीवर्ड्स हैं, उसे हम एंटर कर देते हैं। एनीथिंग जो आप एंटर करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बिड आपने की कितनी है, सॉरी पहले हम इसे चूज कर लेते हैं। तो हमारा किसी के किसके रिलेटेड है, अर्निंग के रिलेटेड है और वैकेंसी ऑल्सो टेक, लेकिन देख लेते हैं अगर बिजनेस में कुछ आता है तो। नहीं मुझे लगता नहीं है, यस। और इंटरनेट एंड टेलीकॉम पे क्लिक कर सकते हैं हम, क्योंकि इंटरनेट और टेलीकॉम में ऐसा कुछ सब कुछ आ जाता है। तो नीचे जाना है, और तो प्लेसमेंट्स क्या है, प्लेसमेंट में हमें कुछ सेलेक्ट करना है। यूट्यूब चैनल नहीं, और यूट्यूब वेबसाइट्स नो, इसमें हमने कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। तो जो स्टार्टिंग का बिडिंग प्राइस होगा उसे हमने क्या सेलेक्ट करना है, उसे आप 0.10 मतलब आप 10 पैसे उनको दे रहे हो, 10 पैसे ऐड के दे रहे हो। तो उसके बाद हमने आपकी जो हमारी वीडियो है उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। लिंक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे क्लिक करना, वैसे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे करना है गेट शेयरेबल लिंक, तो हमारे लिंक जो है क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है तो वीडियो हो जाएगी। ओके, तो ये है दोनों, इस दोनों को क्लिक कर सकते हैं आप, नहीं दोनों को नहीं क्लिक कर सकते, स्किपेबल एड इन स्ट्रीम। ओके, तो उसके बाद जो यूआरएल है, यूआरएल अगर आप किसे आप चैनल को भी अपने को फॉलो करवाना चाहते हैं जब वगैरह वगैरह। ओके, तो उसके बाद ऐड का नेम है जो वो है वो हमने डालना है। सॉरी गाइस, मैंने जो वीडियो का लिंक है वो गलत वीडियो को देते हैं, सॉरी। तो हम उस वीडियो का लिंक दे देते हैं जो कैप्चा वाली ही है, तो कैप्चा वाली वीडियो का लिंक हमने कॉपी कर लिया है और इसे पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक फिर से करना है स्किपेबल एड्स। तो उसके बाद #1 है, ऐड का नेम है हाउ टू अर्न बाई कैप्चा एंट्री जॉब। कैप्चा एंट्री के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं हाउ टू अर्न बाई कैप्चा एंट्री जॉब, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक कर देना है, सॉरी यहाँ पे कुछ हमने और भी देना था, तो वही लिंक हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। फाइनल यूआरएल, तो यहाँ पे भी वही होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन, तो ये हमारा कैंपेन जो है बन ही रहा है। बस ये लोड हो ही रहा है गाइस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अगर हम आपके पास कोई प्रमोशनल है, प्रमोशनल कोड मींस जिसके बाद आपको कोई प्रमोशन मिल सके, मींस रेट में कुछ कमी दिखाई दे सके, तो वो अब हमारे पास नहीं है। तो अब उसके बाद हम आपने क्या करना है, बस यहाँ से आपने पेमेंट कर देनी है और एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने 2-3 दिन के बाद देखना है कि वह ऐड अप्रूव हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।